बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर टू, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में बच्चों हम आज का जो पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रूट्स आते हैं। So now we will discuss the nature or characteristics of the roots of the quadratic equation without actually solving it. तो अभी हम ये देखेंगे quadratic equation को solve किए बगैर हम इन roots की nature और characteristics के बारे में study करेंगे। जी, ये देखिए students, ये जो quadratic equation है ax square plus bx plus c is equal to zero, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टू रूट्स आते हैं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिकली ये वो रूट्स हैं जो हम चैप्टर वन में भी जो क्वेश्चन हमने किए उनमें हमने को फाइंड आउट किया, निकाला। अब इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है, ये आप इसकी हेडिंग देखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सबसे अहम जो है वो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें, क्योंकि देखें द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर नाम हम वन दें कहें तो ये उसका डिस्क्रिमिनेंट है, और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी। अब देखें ये जो रूट्स आते हैं उनकी नेचर जो है वो क्या होगी, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट इसमें कौन सा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अंडर रूट के नीचे जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये डिसाइड करेगा कि जो रूट आया है उसकी नेचर क्या है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये सीखना है कि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कैसे करेंगे। टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अब आगे देखें, वी एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व की गई है, इसमें आपने गौर से ये सीखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई हो तो उसका आपने जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस एग्जांपल में पार्ट ए देखिए, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सॉल्व करने के लिए आपने दोबारा इसको लिखना है टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू टू है, बी की वैल्यू माइनस सेवन है, सी की वैल्यू वन है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। वैल्यूज पुट करें, बी का स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है माइनस सेवन, तो माइनस सेवन का स्क्वायर आएगा, फिर ये माइनस है माइनस आ जाएगा, फोर है फोर लिखें, फोर इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है टू, टू लिखें, सी की वैल्यू क्या है वन, वन लिखें। अब आपको पता है माइनस सेवन का स्क्वायर करें तो आएगा फोर्टी नाइन, माइनस लिखेंगे, फिर फोर को टू से मल्टीप्लाई करें एट, एट को वन से करें तो एट, 49 में से आपने 8 माइनस करना है तो यू विल गेट एन आंसर 41। तो बच्चों ये पार्ट ए जो है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपने इस तरह से फाइंड आउट किया तो इसका आंसर आया 41। अब इसी एग्जांपल में हम पार्ट बी देखते हैं, ये देखिए पार्ट बी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करने के लिए आप दोबारा इसको लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसमें जब आप इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ
जो जिसकी जनरल फॉर्म है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 3। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4ac। बी की वैल्यू यहाँ पे -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, ए की वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे, सी की वैल्यू 3 है, 3 पुट करेंगे, और -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ये माइनस लिखेंगे, और 4, 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 3 12, तो इधर आएगा 9 - 12, और इन दोनों को सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा -3। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, दो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई और उनको हमने उनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। फर्स्ट पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट 41 आया जो कि पॉजिटिव था, सेकंड पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -3 आया जो कि नेगेटिव है। तो आगे हम देखते हैं फर्दर कि जी, जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो जब हम इसकी नेचर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखेंगे डिफरेंट केसेस हमारे सामने आते हैं। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर रूट्स इसके क्या होंगे, ये आपके सामने है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये पहले भी मैंने आपको बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर ऑफ रूट होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसमें देखें ए बी और सी जो हैं ये क्या हैं, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब इसके डिफरेंट केसेस हैं, ये आपके सामने दिए गए हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो क्या होगा, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर ये ज़ीरो होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसी में दूसरा जो है वो दूसरी कंडीशन, दूसरा केस क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर है, और लेकिन वो क्या होगा कि इसमें वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स जो हैं वो इरेशनल होंगे, यानी रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड इसमें जो है वो कंडीशन वो क्या है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो के इक्वल आएगा तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे यानी रियल होंगे और इक्वल होंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो केस है उसमें क्या है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो देन द रूट्स आर इमेजिनरी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। ये बच्चों आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। तो आइए हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। जी ये देखिए, केस वन में अगर हम ये देखते हैं कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। सो लुक एट द एग्जाम्पल। अब देखें इसमें एक एग्जाम्पल दी गई है, एक इक्वेशन आपको दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कहा जा रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन आपके सामने है 7x² + 8x + 1 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए आप दोबारा लिखिए इसको, यहाँ पे आप जब इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से, तो यहाँ पे क्या आएगा, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद b की वैल्यू इसमें 8 पुट करें, b का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 7 लिखें, c की वैल्यू 1 लिखें, फिर 8 का स्क्वायर करें 64 आएगा, माइनस लिखें, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 28 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा, 64 में से 28 माइनस करने पे यू विल गेट 36 जो कि स्क्वायर है 6 का, विच इज़ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। देखें जो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आया है 36 आया है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का, ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल, राइट। अब हमने इन
जो इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई जो है वो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे या नहीं। लेकिन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 7x² + 8x + 1 लिखिए इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स बनाइए, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो आपके पास आ जाएगा 7x² + 7x + x + 1 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में 7x कॉमन लीजिए, 7x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x + 1, प्लस लास्ट टू टर्म्स में कोई भी कॉमन नहीं, जब कोई कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, प्लस 1 कॉमन लें तो आपके पास x + 1 आ जाएगा। x + 1 कॉमन फैक्टर है, उसको पहले लिखिए, और दूसरा फैक्टर आपके पास आएगा 7x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं आइदर x + 1 = 0 और 7x + 1 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और यहाँ पे 7x + 1 = 0 को सॉल्व करने पे पहले देखिए प्लस 1 को आप उस साइड पे ले जाइए तो ये हो जाएगा 7x = -1 और x की वैल्यू आएगी -1/7। अब देखिए एक रूट आपके पास आया -1, एक आया है -1/7। इसका क्या मतलब है, रूट्स जो हैं वो रियल हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं उनकी नेचर जो हमें पता चल गई है कि ये ज़ीरो से ग्रेटर हैं, ये जो आंसर आया, और आगे जो वैल्यूज़ हैं वो रूट्स जो हैं वो क्या हैं, अनइक्वल हैं। आइए हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। जी केस नंबर 2, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। केस 1 में क्या था कि वो परफेक्ट स्क्वायर था, इसमें क्या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² - 5x + 5 = 0, तो हमने इसके जो है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, रूट्स निकालेंगे और देखेंगे कि इसकी नेचर क्या है रूट्स की। तो पहले आपने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आपके पास a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 5। डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, b की वैल्यू पुट करें -5 है, b का स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, c की वैल्यू 5 लिखेंगे ब्रैकेट में, -5 का स्क्वायर करेंगे जो कि आपके पास आया 25, फिर देखें माइनस लिखेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 5 से करेंगे तो 20 आएगा। अब देखिए 25 में से 20 माइनस करने पे आपके पास आएगा 5, 5 जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये देखिए केस 2 में हमने ये देखना है। अब हमने देखना है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स जो हैं वो इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे, तो रूट्स हम निकालेंगे। एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए x² - 5x + 5 पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करें, और ये देखिए आपके पास, ये आपके पास जो है वो रूट्स आएंगे 5 + -5 5 + - स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ये आपके पास आ जाएगा। आप देखें ये दोनों रूट जो हैं वो क्या हैं, द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट्स केस नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया, इसमें जो है रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। आइए हम केस 3 देखते हैं। जी केस 3 में देखें, इफ b² - 4ac = 0, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इसमें देखेंगे 0 आएगी, ये केस नंबर 3 है। अगर ये 0 आए तो रूट्स कैसे होंगे ना, रूट्स आर, रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। सो एग्जांपल देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है देखते हैं हमने इसके, यू हैव, वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स और द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x² + 8x + 16 = 0। तो सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन लिखेंगे, इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, हियर a = 1, b = 8, c = 16। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, b की वैल्यू 8 पुट करें,
बी का स्क्वायर है तो एट का स्क्वायर आएगा, माइनस फोर लिखें, फिर उसके बाद ए है, ए की वैल्यू वन है, वन पुट करें, सी की वैल्यू क्या है सिक्सटीन है, सिक्सटीन पुट करें, एट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सिक्सटी फोर, और फोर और को वन से करें फोर, फोर को सिक्सटीन से करें तो सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर माइनस सिक्सटी फोर क्या आता है जी ज़ीरो। सो एज द डिस्क्रिमिनेंट इज ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ज़ीरो आया है, देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल मीन्स रियल और एंड इक्वल। इसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं, वेरीफाई करते हैं, देखिए ये गिवन इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये किसका स्क्वायर है एक्स प्लस फोर का स्क्वायर है, ये दो रूट फैक्टर इसके आएंगे एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फोर, तो उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर लिया एक्स प्लस फोर का स्क्वायर आया, और आपके सामने आपके पास इसके रूट्स आएंगे, एक रूट है माइनस फोर, दूसरा रूट है माइनस फोर, इसका मतलब है कि रूट्स रैशनल हैं, रियल हैं और इक्वल भी हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा जो नेचर ऑफ रूट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसका केस नंबर थ्री है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती है। अब हम नेक्स्ट केस जो है वो डिस्कस करते हैं, केस नंबर फोर। जी स्टूडेंट्स, केस नंबर फोर में देखें जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो है। इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन ज़ीरो देन द रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे, उनकी नेचर कैसी होगी, इमेजिनरी होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो रूट्स जो हैं वो उनकी नेचर इमेजिनरी होगी। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल दी गई है उसको हम देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन आपके सामने है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको सोल्यूशन करते हैं, दोबारा लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि ए की वैल्यू क्या है टू, बी की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू वन। जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू वन। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखिए, एक्सप्रेशन लिखिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू फोर ए इंटू सी, बी की वैल्यू माइनस वन है, बी का स्क्वायर है माइनस वन का स्क्वायर करें, फिर माइनस लिखें फोर लिखें, फिर ए की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू टू पुट करें, सी की वैल्यू वन पुट करें, माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स वन, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस लिखेंगे फोर टू ज़र एट, एट वन ज़र एट, तो वन माइनस एट का आंसर आएगा माइनस सेवन। देखिए माइनस सेवन ये वैल्यू है विच इज़ लेस देन ज़ीरो, यही हमें बताया गया था कि केस फोर में क्या होता है कि जो इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो आती है। तो ये देखें इस एग्जाम्पल में माइनस सेवन आई है जो कि लेस देन ज़ीरो है। सो एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव, क्योंकि ज़ीरो से लेस जो भी वैल्यू आएगी वो आपको पता है स्टूडेंट ज़ीरो के से लेस माइनस वन है, माइनस वन उसके उससे लेस है माइनस टू, माइनस थ्री, तो ये वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आती हैं। तो एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देयर फोर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब इसको वेरीफाई करें, वेरीफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हम इसके रूट्स निकालेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हमने, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन है, वैल्यू पुट की, उसके बाद अंडर रूट के अंदर बी की वैल्यू माइनस वन उसका स्क्वायर है वो किया, माइनस फोर इंटू टू, ए की वैल्यू टू है, सी की वैल्यू क्या है वन है, फोर इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाई टू, ये टू ए है टू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है टू है तो टू इंटू टू आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा वन, फिर आएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा, और फोर टू ज़ार एट, एट वन ज़ार एट, माइनस एट आएगा, नीचे आपका टू इंटू टू क्या आएगा फोर आएगा। अब देखिए यहाँ पे वन माइनस एट क्या होता है माइनस सेवन, तो ये जो रूट्स आपके पास आए हैं एविडेंटली ये जाहिर है, ये एक नज़र आ रहा है द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिफरेंट हमने केसेस डिस्कस किए हैं, नेचर ऑफ रूट्स को हमने देखा है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को मैथमेटिक्स पॉइंट जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करना है, ताकि आपको नेक्स्ट जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं
इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ वो आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।